स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं और इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि किडनी को किस तरह से हेल्दी रखा जा सकता है, जिसके लिए हमारे साथ डाइटिशियन श्रेया मौजूद है। वेलकम टू द शो श्रेया। थैंक यू विशाखा। तो आज हम श्रेया से जानेंगे कि क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले श्रेया आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिएटिनिन होता क्या है और क्रिएटिनिन इंक्रीज होने पर किडनी पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। क्रिएटिनिन बॉडी में वेस्ट मटेरियल का एक फॉर्म है जो कि ब्लड में पाया जाता है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना किडनी खराब होने का एक सिम्टम है। बॉडी के लिए ब्लड का साफ रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होगा किडनी खराब होने का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक खास डाइट को फॉलो करें। तो श्रेया, क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए? ऐसे पेशेंट्स को अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक लिमिटेड करना चाहिए। अधिक मात्रा में प्रोटीन क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ने का कारण बन सकता है। अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है, उसे प्रोटीन डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना चाहिए। तो श्रेया, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले, उनको किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए? हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स को रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से मना किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है। इसकी जगह किडनी पेशेंट्स वेजिटेबल प्रोटीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या वो कंज्यूम कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएं। फाइबर खाने से डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है, साथ ही फाइबर क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में भी हेल्प करता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के रिसर्च के मुताबिक क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स ने फाइबर कंज्यूम किया, उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है। इसीलिए पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी डाइट में फाइबर वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। तो श्रेया, ये तो बात हुई वेजिटेबल्स की, फाइबर्स का आपने बताया। जिन किडनी पेशेंट्स का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, उनको किस तरह के लिक्विड्स कंज्यूम करने चाहिए? अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो लिक्विड कंजम्पशन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड पेशेंट के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ज़रूरी है कि पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट करके जान ले कि वो लिक्विड किस क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर पेशेंट नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहते तो वो पानी का टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें खीरे के स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो जिन किडनी पेशेंट्स का क्रिएटिनिन लेवल हाई है, वो इसको नेचुरली ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स क्रिएटिन बेस्ड सप्लीमेंट्स को अवॉइड करें। ये सप्लीमेंट्स किडनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डैंडेलियन, सिनेमम, नेटल लीफ, एस्ट्रैलिगस, जिनसेंग, चिकोरी और कैमोमाइल। तो ये थी क्रिएटिनिन लेवल को कम करने से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू श्रेया, बहुत बहुत आप इस शो पर आए और पेशेंट्स को अवेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिसेंटली तो 2.2 है। 2.2 आया? हाँ, 2.2 हुआ। अच्छा, ठीक है। और पहले इंसुलिन कितना यूनिट ले लेते हैं? इंसुलिन पहले 16 यूनिट लेता था, अब सुबह मैं 6 यूनिट लेता हूँ, रात को कभी लेता हूँ कभी नहीं लेता। अच्छा, देख के शुगर टेस्ट करके, ग्लाइकोमीटर में शुगर टेस्ट करके लेता हूँ। जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत रेयरली? हाँ, रेयरली जरूरत है, लेकिन बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए मेडिसिन। लेकिन पहले आपकी शुगर काफी बढ़ी हुई थी, इंसुलिन के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही थी? नहीं, इंसुलिन जब ज़्यादा लेता था तब कंट्रोल हो जाती थी, अब इतनी परेशानी नहीं है। नहीं, शुगर मैक्सिमम डाउन ही रहती है, 90 से कम ही रहती है। क्रिएटिनिन भी डाउन? क्रिएटिनिन भी। तो आप तो साथ रहते हैं, आपने देखा होगा क्या क्या? इनको तो डॉक्टर ने बोला था डायलिसिस के लिए, उन्होंने तो बोल दिया था कि अभी डायलिसिस स्टार्ट करना। अच्छा, कहाँ पे दिखाया था? जम्मू में। अच्छा, जम्मू एसके वाली पहले तो काफी दिक्कत थी, फिजिकली भी प्रॉब्लम थी। हां, स्वेलिंग जैसे थी पहले ज्यादा, अब ऐसे कभी-कभी होती है, वीकनेस ज्यादा है। ठीक है, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं कुछ, और 6.86 क्रिएटिनिन था, वो रिपोर्ट लाए आप? 6.86 वाज़ द क्रिएटिनिन लेवल व्हेन द ट्रीटमेंट वाज़ स्टार्टेड एंड यूरिया वाज़ आल्सो क्वाइट हायर।
उसके बाद इन्होंने टेस्ट कराया 19/8/2018, इसके अंदर क्रिएटिनिन रिड्यूस हो गया 4.7 हो गया एंड यूरिया आल्सो केम डाउन टू 72। फिर उसके बाद इन्होंने एक और टेस्ट कराया, दीप क्लिनिकल लेबोरेटरी डिस्ट्रिक्ट रामनगर पर दिए, जम्मू में ही है ये जी। हाँ, जम्मू में ऑपोजिट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराया है इन्होंने। क्रिएटिनिन हो गया 4.7 हो गया फिर इनका रिड्यूस हुआ, और अभी इन्होंने एक लेटेस्ट कराया है, इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन जो है वो 14/2018 को 2.2 की रेंज में आ गया, 2.2 हो गया क्रिएटिनिन इनका, और यूरिया जो है वो भी इनका रिड्यूस है 70 हो गया, और हीमोग्लोबिन जो है वो भी पहले से इम्प्रूव किया। ओवरऑल सब चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट विजिबल हुई, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, और फिजिकल लेवल पर भी। इंसुलिन की डोजेज भी काफ़ी हाई थी तो इंसुलिन भी काफ़ी इनका रिड्यूस है पहले से, और इन्होंने सब चीज़ें जैसे जैसे बताया था परहेज खाने पीने का A to Z वैसे ही फॉलो कीजिए किया, और चेंजेस इनको विजिबल हुए कि किस किस प्रकार से चेंजेस आ सकते हैं और किस किस प्रकार से इनको चेंजेस आए।